अभी जो सांसद है अभी वही हाल रहेगा, तो हम लोग अगला बार से बीजेपी में वोट नहीं देंगे, लेकिन बार देंगे। हाँ, मजबूरी है देना, मोदी के साथ तो है ही, उसको नहीं छोड़ रहे। 400 पार में हम लोग हैं। क्या सोचकर आप लोग वोट देते हैं? यहाँ हर चीज विकास हो रहा, हर चीज विकास हुआ है, पूरा विकास बोल रहे हैं, कुछ काम नहीं। विकास हो चाहे नहीं, हम लोग को मोदी का वोट देना। बीजेपी जीतेगा तो नहीं आएगा, जेएमएम जीतेगा तो नहीं आएगा, जयराम जीतेगा वो भी नहीं आएगा। तो वोट देना है तो मजबूरी में हम लोग बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। ओनली फॉर मोदी जी है, मोदी जी है, ओनली फॉर मोदी जी है। लेकिन जेएमएम बोल रहा है कि इसी इलाके भाजपा क्या बस बाबा विकास नहीं होता, खाली नाम में वोट होता है, ले अपना पद होता है, जीत जाता है, कुछ विकास नहीं करता। कर्माटर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खाली जितने बार हुआ है नहीं होगा, पता नहीं जीतता है चल जाता है। ये तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, हल्का हल्का हो रहा, कोई खास नहीं हो रहा कि हो रहा। 2 किलोमीटर दूर में विकास हो रहा, पर बाजार में विकास नहीं हुआ है, नहीं। क्या सोचे इस बार चुनाव में? अभी तो जो जो हम लोग तो मोदी को वोट देंगे ही, उसके लिए कुछ नहीं है, पर विकास हम लोग चाहिए। कर्माटार में विकास आज तक हुआ है ना, इसीलिए हम लोग कर्माटार में विकास होना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए। निकल जाता मोटा के बाद चला जाता है। विधानसभा कौन सा? सारठ में पड़ता है। सारठ रणधीर सिंह विधायक है, विकास पुरुष है। काम किया है पूरा गर्दा फोड़, कुछ काम ही नहीं हुआ। उसका बीमारी है, उसका माइंड डिस्टर्ब है। हम लोग का सांसद सब बेरोजगार है यहाँ, तब का यहाँ से देखिए झोला लेके जाते हैं सलानपुर रूपलायनपुर काम करने के लिए। लेकिन यहाँ तो चर्चा है कि यहाँ मोबाइल से बहुत रोजगार मिलता है। मोबाइल से जो जिसका पास है वो करता है, हम लोग तो नहीं करते हैं ना। सत्यनारायण जी बहुत फेमस है आपका ये इलाका, तो पूरे देश में जानता है लोग। जी पूरे देश में चर्चा है। खुशी होती है कि दुखी हो? बहुत दुखी होती है। मतलब कोई फोन करता होगा रिलेशन में तो वो लोग बोलता होगा कि कर्माटांड के कर्माटांड बोलता गलत नजर आता है, सजेशन गलत आता है। कर्माटांड पर फिल्म वगैरह भी बन गई, तो इससे खुशी होता है कि और लग रहा है? खुशी नहीं होता है कि हमारे बच्चे अगर मतलब बाहर जाते हैं तो बहुत तकलीफ की बात होती है कि जो जामताड़ा जिला का नाम सुनने के बाद गलत नजर से देखते हैं। सुनिए कि शादी ब्याह में भी दिक्कत इधर होने लगा? दिक्कत तो होती है कि मतलब कि यार, लेकिन मतलब कि क्षेत्र में मतलब जो हम लोग के बाजार के व्यवसाय लोग के हैं साइबर से नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ उधर दुमका के इलाकों में बोल रहे हैं कि सुनील सोरेन भी बहुत नलिन सोरेन भी बहुत मजबूत है। इस नहीं है, पतला है वो, कोई मजबूत नहीं है ना, कोई ना मजबूत, सब कोई है, लेकिन काम करके दिखाएगा तब मजबूत मजबूत होगा ना। जिधर लहर है उधर ही ना जाएगा आदमी। पूरा लहर है, पूरा लहर है, 120% लहर है, नहीं है ना। नमस्कार, इस वक्त मैं कर्माटांड में हूँ। कर्माटांड जामताड़ा जिला का एक इलाका है, एक समय बहुत फेमस हुआ क्योंकि बहुत अधिक साइबर फ्रॉड इस इलाके में होता था, लेकिन पुलिस के दबिश के कारण अब इन इलाकों में साइबर फ्रॉड बहुत कम होता है। लेकिन इन्हीं इलाकों के घटना होने के बाद इस पर एक वेब सीरीज भी बनी। ये कर्माटांड का इलाका दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अभी चुनावी माहौल है, और यहाँ हम पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि आखिर कर्माटांड के लोग क्या सोचते हैं और किन मुद्दों पर वोट डालते हैं। ये देखिए, कर्माटांड के शहीद गणपत महतो चौक पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ के लोगों से जानता हूँ कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस बार। इधर आइए या उधर चलिए, गाड़ी चलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी बहुत फेमस है आपका ये इलाका, तो पूरे देश में जानता है लोग। जी पूरे देश में चर्चा है। खुशी होती है कि दुखी हो? बहुत दुखी होती है। दुखी होती है। मतलब कोई फोन करता होगा रिलेशन में तो वो लोग बोलता होगा कि कर्माटांड के हैं, कर्माटांड बोलता गलत नजर आता है, सजेशन गलत आता है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके अकाउंट से पैसा? ऐसा नहीं, हम लोग नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। इतना बदनाम हो गया कि कुछ हुआ नहीं है? नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है सर, चुनाव में क्या सोचते हैं? चुनाव हो रहा, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। किस क्या मुद्दा है कर्माटांड में, क्या होना चाहिए? विकास का मुद्दा है। विकास कौन विकास कर रहा है? विकास कर रहा पार्टी के लोग। कौन पार्टी? पार्टी मोदी जी, ओनली फॉर मोदी जी है, मोदी जी है, ओनली फॉर मोदी जी है। लेकिन जेएमएम बोल रहा है कि इस इलाके में विजय भाजपा क्या? बस बाबा विकास नहीं होता, खाली नाम में वोट होता है, ले अपना पद होता है, जीत जाता है, कुछ विकास नहीं करता। कर्माटर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खाली जितने बार जीतता है अपना गद्दी पकड़ लेता है, उसके बाद विकास होवे नहीं करता। क्या होना चाहिए? देखिए बाजार की स्थिति, देखिए बहुत सकड़ा है, देखिए
बाजार की स्थिति आप देख रहे हैं कि नहीं, बाजार की स्थिति क्या ही बोल रहे हैं, विकास कुछ नहीं हुआ है। नहीं होता है, कम कम होता है, कम कम, हाँ कम कम। ये मतलब दुमका से कटा हुआ इलाका इसलिए ध्यान कम पड़ता है, कम पड़ता है, हाँ कम पड़ता है, होता ही कम कम होता है। आज तक हुआ है ना, नहीं होगा पता नहीं, जीता है चल जाता है। ये तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, हल्का हल्का हो रहा, कोई खास नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है? 2 किलोमीटर दूर में विकास हो रहा है, पर बाजार में विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हो रहा। नहीं, क्या सोचे हैं इस बार चुनाव में? अभी तो जो जो किया, हम लोग तो मोदी को वोट देंगे ही, उसके लिए कुछ नहीं है, पर विकास हम लोग चाहिए। कर्माटार में विकास आज तक हुआ है ना, इसीलिए हम लोग कर्माटार में विकास होना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए और मेन फाटक, ये सब भी नहीं बना। हाँ, ये सब भी नहीं हुआ काम? नहीं, कहाँ कुछ हुआ, खाली जितने बार जितना अपना गद्दी पकड़ता सूझ जाता है और विकास कहाँ देखता है? क्या निकल जाता है, मोटा के बाद चला जाता है। विधानसभा कौन सा, सारठ में पड़ता है? सारठ, रणधीर सिंह विधायक पुरुष है, विकास पुरुष है, पूरा काम किया है, पूरा गर्दा फोड़, कुछ काम ही नहीं हुआ। उसका बीमारी है, उसका माइंड डिस्टर्ब है। हम लोग का सांसद जो है वो जितने बाद यहाँ देखने नहीं आता। कौन ये? सुनील सोरेन। हाँ, वो खाली माड़ी पी के सोता है। अभी जो सांसद है अभी वही हाल रहेगा, तो हम लोग अगला बार से बीजेपी में वोट नहीं देंगे, लेकिन हाँ, देंगे। हाँ, मजबूरी है दे रहा, मोदी के साथ तो है ही, उसको नहीं छोड़ेगा। उधर दुमका के इलाकों में बोल रहे हैं कि सुनील सोरेन भी बहुत, नलिन सोरेन भी बहुत मजबूत है, पतला है वो, कोई मजबूत नहीं है ना, सब कोई है, लेकिन काम करके दिखाएगा तब मजबूत होगा ना। जीत लेता है उसका बाद अपना देखता है, गरीब का कोई नहीं देखता है। जयराम महतो की भी पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक महिला, वो आए हुए थे प्रचार करने के लिए। है कुछ है इधर? नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका नाम निशाना है, मोदी लहर, ओनली फॉर मोदी लहर, कोई जेएमएम का नहीं। मोदी छोड़ा को अजीत वो नहीं पाएगा। हाँ देखिए, आइए भैया आइए, ये लोग बोल रहे हैं सिर्फ मोदी लहर। दुमका लोकसभा से जेएमएम जीते, क्या क्या कारण मानते हैं? वो वही जीतेगा, सियासी का नाम वही है, नलिन सर वही वही जीत रहा है। नहीं बता पा रहे हैं कि कौन जीतेगा, मतलब पूरा नहीं बता पा रहे हैं, कोई बता नहीं पाएगा। जानते हैं जेएमएम जीतेगा, लेकिन कौन है प्रत्याशी, क्या है नहीं है बता नहीं पा रहे। प्रत्याशी कौन है? मतलब सीता सोरेन है, अभी तो जेएमएम में थी ना, थी तो अभी नहीं ना है, अभी है इधर, बस जिधर लहर है उधर ही ना जाएगा आदमी। पूरा लहर है, पूरा लहर है, 120% है लहर है, नहीं है ना, क्या लग रहा है इधर? नहीं है, क्या लग रहा है आप बताइए, जनरल बीजेपी 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 क्या सोचकर आप लोग वोट देते हैं? अब हर चीज विकास है, और हर चीज विकास हुआ है, पूरा विकास बोल रहे हैं, कुछ काम नहीं, विकास हो चाहे नहीं, हम लोग को मोदी का वोट देना, बीजेपी जीतेगा तो नहीं आएगा, जेएमएम जीतेगा तो नहीं आएगा, जयराम जीतेगा वो भी नहीं आएगा, तो वोट देना है तो मजबूरी में हम लोग बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोग सेंट्रल में देख रहे हैं कि? हाँ बस, यहाँ हम लोग का रणधीर सिंह जिंदा का लोकल मुद्दा को कुछ एवे नहीं करता। सुनील सोरेन तो हम तो बोल एक बार देखने नहीं आया, जितना ट्रेन था यहाँ पे स्टॉपेज लेके जामताड़ा में कर दिया, सब बंद करवा दिया, यहाँ पे सब काम जामताड़ा में कर रहा है। यहाँ का लोग सब बेरोजगारी है। क्या बोले? सब बेरोजगार है यहाँ, तब का यहाँ से देखिए, झोला लेके जाते हैं सलानपुर रूपलायनपुर काम करने के लिए, लेकिन यहाँ तो चर्चा है कि यहाँ मोबाइल से बहुत रोजगार मिले, मोबाइल से जो जिसका पास है वो करता है, हम लोग तो नहीं करते है न, हम लोग का सहारा होगा तब नहीं जानेंगे, गरीब के सरकार को जिताते हैं इसलिए जो गरीब को देखे, मतलब रोजगार का कोई व्यवस्था जो भी जीता नहीं कर पा, नहीं नहीं कर पा रहा है। तो सांसद विधायक सब तो बीजेपी के हैं ना, लेकिन जीत हम लोग का सांसद समझिए रणधीर सिंह ही है। हाँ, उन्हीं को देखकर वोट, हाँ एडिंग मार दीजिएगा, हम लोग सांसद और विधायक एडिंग यही दीजिएगा, करेगा नहीं किया है रणधीर सिंह, जो काम किया है वो नहीं कोई कर पाएगा नहीं करेगा। क्या क्या बोले? भजन भी सुनाएंगे, आप तो बाहर गए हैं बोले। हम गिरिडीह वोटर, गिरिडीह के किसको दिए थे? हम दिए थे दिलीप वर्मा, बीजेपी बीजेपी वहाँ भी बीजेपी बीजेपी कोई रहे बीजेपी सिर्फ बीजेपी काम कर। कारण है? कारण क्या, जो कारण पूछिए आप बताइए, मतलब क्या कारण है, क्या सोच कर दिए थे? हम लोग का क्षेत्र विकास कर रहा है वही देख के दे रहे हैं, बस खाली विकास है तो और क्या। आप लोग सब यही के हैं, लोकल हैं, क्या सोच रहे हैं? 400 पार, 400 पार, 440 पार। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम छत्रधारी सिंह है। अच्छा, क्या है इस बार माहौल चुनाव? माहौल अभी है 400 पार, सब सब वही है।
क्या मोदी है। बाप देखिए, ये कर्मा टांड का इलाका है, बता रहे हैं कि रोजगार की भारी कमी है। ये यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, ये सारठ विधानसभा क्षेत्र का इलाका आता है, और फिर भी कह रहे हैं कि देश में चूंकि सरकार बनानी है और उस हिसाब से ये लोग सोच रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? अभिषेक कुमार सर। अभिषेक जी, क्या है मांग आपका? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी है, मतलब इधर जेएमएम के बहुत कम लोग हैं क्या? बहुत कम। क्या कारण है? कारण शुरू से यहाँ जीत रहा है। अच्छा, यहाँ रणधीर सिंह के चलते ऐसा है। हाँ, हम लोग का विधायक है। हाँ, वही हम लोग का सांसद होना चाहिए। हाँ, अच्छा, चाह रहे हैं कि उन्हीं को लेकिन तो रिजर्व सीट है ना ये। हाँ, क्या कीजिएगा, उसी में मजबूर है आदमी। क्या नाम है आपका? नाम सनी जी हुआ? हाँ, मेरा नाम सनी है। हम विकास कुमार गुप्ता हुए। अरे विकास जी, बहुत आपका पथरगामा में कौन है? मेरा घर है वहाँ। ठीक है सर, क्या माहौल देख पा रहे हैं? माहौल तो यहाँ पर अभी बीजेपी की लहर है ये पूरे जामताड़ा जिला में, और हमारे सीता सोरेन जी को अच्छा बहुमत मिलेगी यहाँ से। हाँ। और सारठ विधानसभा से अच्छा लीड करेगी वो। हाँ, ये रणधीर सिंह का इलाका है, और रणधीर सिंह जो भी यहाँ पर हर घर पर हर बच्चा से जाकर के पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो मतलब बीजेपी पूरा माहौल बना के रखे हैं रणधीर जी पूरा। क्या काम किए कोई रणधीर जी का बड़ा काम? रणधीर जी अभी पानी का जो योजना दिए हैं, और रणधीर जी सब मंत्री रहते भी किए काम, मंत्री रहते हुए तो बहुत काम किए, और मंत्री रहते हुए हर बच्चा गरीब के घर में गए हैं, और आज भी है। जब अभी फोन अगर चला जाएंगे तो वो रांची अपना छत्र फिर से जीतेंगे, एकदम जीतेंगे वो। हाँ? एकदम। तो आपसे तो बात हो गई। हाँ, हाँ, अभी की दुकान है। हाँ, हाँ। क्या महंगाई बढ़ गई है? बिक्री उक्री ठीक? हाँ, बिक्री सब ठीक है, महंगाई बढ़ने के बाद भी बिक्री ठीक है। आप लोग ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? हाँ, लेते हैं। सुने कि यहाँ डर से लोग ऑनलाइन पेमेंट बंद कर दिया? बहुत लेते हैं, बहुत कोई नहीं लेते हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि साइबर के लेकर के थोड़ा सा मतलब उसमें मतलब कि व्यवसाय वर्ग को थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठगी हो जाता है, ठगी हो जाता है कि पैसा अगर मतलब कि मान के चले क्या पैसा है तो आदमी का तो परिचय है नहीं बहुत ऐसे लोग का, और अकाउंट में जब चला जाता तो उसका खाता होल्ड हो जाता है, इसी कारण से नहीं। कर्माटांड पर फिल्म वगैरह भी बन गई? हाँ, तो इससे खुशी होता है कि और लग रहा है? खुशी नहीं होता है कि हमारे बच्चे अगर मतलब बाहर जाते हैं तो बहुत तकलीफ की बात होती है कि जो जामताड़ा जिला का नाम सुनने के बाद गलत नजर से देखते हैं। सुनिए कि शादी ब्याह में भी दिक्कत इधर होने लगा? दिक्कत तो होती है कि मतलब कि यार, लेकिन मतलब कि क्षेत्र में मतलब जो हम लोग के बाजार के व्यवसाय लोग के हैं साइबर से नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये तो मतलब कि आप देख ही रहे हैं, ग्रामीण इलाका मिलता है क्या? ग्रामीण इलाका आप जाकर आप तो घूमे होंगे। रांची और दिल्ली में चर्चा है कि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलता है लड़का लोग को ट्रेनिंग, तो अब हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हम लोग तो नहीं दिल में ही देखते। हाँ, होता होगा अगर हम लोग रहता तो हम लोग भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। क्या करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर झा। शंकर झा, क्या है माहौल चुनाव का? इधर से रणधीर सिंह जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी कोई, सब बीजेपी हैं आप लोग? सब बीजेपी पार्टी है, लेकिन इधर बीजेपी के लोग जेएमएम के लोग बोल रहे हैं हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, उसको लेकर गुस्सा है लोगों में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। और इसके बारे में तो हम तो कुछ नहीं बता सकते, ये तो ऊपर वाले मतलब कि ऊपर लेवल का चीज़ है। हाँ। क्योंकि उनका बोलना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ। है ना? बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.